चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो की। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी अब नजदीक आ रही, लेकिन शुभ मौके से पहले विपक्ष की ओर से प्रभु श्री राम और राम मंदिर को लेकर विवादित बयानबाजी का सिलसिला जारी। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक जहरीले बयान सामने आ रहे हैं। अब शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। आवाड ने कहा कि श्री राम शाकाहारी नहीं थे, वो मांसाहारी थे, शिकार करते थे, मांस खाते थे। फिर उन्होंने जब सफाई दी तो वो अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, उसको लेकर उन्होंने उसके आयाम बता दिए। हालांकि विवाद बढ़ा तो अब जितेंद्र आवाड ने माफी मांगी और कहा कि उनसे बयान से कोई अगर उनके बयान से कोई आहत है तो वो उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। इससे पहले आवाड के बयान पर घमासान मच चुका है। बीजेपी से लेकर साधु संतों ने इस पर पुरजोर विरोध किया। सवाल इस बात को लेकर है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से विपक्ष आखिर इतना परेशान क्यों है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या करोड़ों हिंदुओं को आहत करने के लिए ऐसी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट दें। आपला बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम। राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आती जा रही है। पूरा देश 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है। देश के कोने कोने में शुभ घड़ी को लेकर खास तैयारी हो रही है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता इस खास मौके पर रंग में भंग डालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर इंडी गठबंधन अब न सिर्फ सियासी मुद्दा बना रहा है, बल्कि लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। अब एनसीपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आवाड बीजेपी विरोध के नाम पर भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। जितेंद्र आवाड ने कहा कि राम शिकार करके खाते थे। शिरडी के कार्यक्रम में आवाड ने कहा कि हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। आवाड यही नहीं रुके और कहा कि राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। राम आपला है बहुजनांचा है राम, शिकार करून खाणारा राम, तो आमचा है, आमचा आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आज आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता तर मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार ते शाकाहारी शोधायला। दरअसल बीजेपी नेता राम कदम ने 22 जनवरी के शुभ मौके पर पूरे देश में मांस मंदिरा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके जवाब में जितेंद्र आवाड ने ये बयान दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जितेंद्र आवाड ने कार्यक्रम में जोश जोश में भगवान राम पर ये विवादित बयान दिया, बल्कि सोच समझ कर बोला है। जितेंद्र आवाड ने बयान के बाद भी जो सफाई दी है उसमें भी अपने बयान को सही ठहराया है, यानी जानबूझकर देश और समाज को भड़काने के लिए ये बयान दिया गया है। सुनिए सफाई में जितेंद्र आवाड ने क्या कहा है। कॉन्ट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कायम है। भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है। जितेंद्र आवाड के बयान का जमकर विरोध हो रहा है। अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने आवाड के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। बीजेपी ने आवाड के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि इंडी गठबंधन के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। बार बार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, क्या हो गया इन्हें? शरद पवार की चुप्पी, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की चुप्पी। खैर उद्धव ठाकरे तो अब वो पुराना वाला रहा ही नहीं उनका, कोई मातोश्री दो बन गया, अब तीन कब बनेगा उसकी उनको पड़ी है। परिवार को कैसे राजनीति में सेट करे उस बात की उनको पड़ी है। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने आवाड के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। मुझको लगता है जितेंद्र रामायण नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी मानसिकता, उनके विचार रावण के खानदान से मिलता है। इस शिवजी का परम भक्त था। इतना विश्वास किया उन्होंने कि कई बार गला काट के भगवान भोले को चढ़ा दिया
इतना उसको विश्वास था, लेकिन कर्म राक्षसी प्रवृत्ति वाला था, उसके नाते मुझको लगता है कांग्रेसी नेताओं का कर्म भी राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, सनातन विरोधी है। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तहकीन राम का निंदा क्रोधवंत अधि भयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा, यह हिंदुस्तान है। और मैं अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। इससे पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन की ओर से राम मंदिर को लेकर कई विवादित बयान सामने आए हैं। सवाल ये है कि क्या सनातन और हिंदू भावना का अपमान करना इंडी गठबंधन की आदत हो गई है? सवाल ये भी है कि बीजेपी के विरोध के नाम पर इंडी गठबंधन अब भगवान राम पर भी सियासत कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि रामलला पर विवादित बयान देकर क्या 2024 जीत पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आप सभी को एक बात नोटिस करनी चाहिए, जैसे जैसे राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आते जा रही है, वैसे वैसे बयानों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इसे मस्जिद से जोड़कर बता रहे हैं कि भैया कितनी मस्जिद खोदेंगे, कुछ लोग डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ज्ञान ही समझ में नहीं आता कि कहां से आता है जो प्रभु श्री राम को लेकर इस तरह के बयान देते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर मन के अंदर कितना जहर बैठा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ HS रावत जी, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ श्याम रावत जी जुड़े हुए हैं, NCP के लीडर हैं। हमारे साथ लोकेश जिंदल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत श्याम रावत जी आप ही से करता हूँ, ये मन में कितना जहर है सर, और ये कौन सी पढ़ाई है, कौन सा धर्म ग्रंथ जिसमें इस बात का इल्म जितेंद्र आवाड़ को हो जाता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम मांसाहार करते थे। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली, मैं अपडेट कर देता हूं अपने दर्शकों को, लेकिन ये कहना भी अपने आप में बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है कि आखिर ये मानसिकता, ये सोच कैसे पनप रही है, ये इतना जहर लोग ला कहां से रहे मन में। रावत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार देखिएगा अगर म्यूट ना हो तो। देखिए आदरणीय जितेंद्र आवाड़ जी, जी एक गद्दावर नेता है महाराष्ट्र के, बड़े ही अनुभवी नेता है और कई सालों से राजनीति में सक्रिय है। सारी महाराष्ट्र की जनता उन्हें चाहती है और कई सालों का लंबा कैरियर उनका राजनीति में, और हमेशा गरीबों के लिए, वंचित लोगों के लिए, दलितों के लिए और सारे समुदाय के लिए उन्होंने काम किया है। और जब भी महाराष्ट्र सर अगर ऐसा किया भी है तो राम का अपमान करने का अधिकार है क्या? ऐसा संदर्भ आया है इस महाराष्ट्र में कोई संकट आई हो तो हमेशा आदरणीय शरद पवार जी के साथ उन्होंने खड़े रहे। एक वक्त आया था महाविकास अभी टूट चुकी थी, कई सारे नेता यहाँ से निकल चुके थे और ठीक है वो बड़े नेता हैं, आपके कद्दावर नेता है, शरद पवार के करीबी हैं। मैं मुद्दा आज प्रभु श्री राम है और जितेंद्र आवाड़ का बयान है सर, उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया उस पर कभी और चर्चा करेंगे, मुद्दा प्रभु श्री राम है आज। जिसने पार्टी के लिए क्या किया उनके बारे में दर्शाना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं सर तो लेकिन ये किसी को लाइसेंस नहीं देगा ना कि वो किसी के आराध्य देव के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें। नहीं नहीं, उनका पार्टी के लिए क्या किया वो पार्टी जाने, पार्टी के लोग जाने। प्रभु राम हमारे देश के लिए, हम सबके आराध्य है, महापुरुषोत्तम है, आदरणीय आवाज साहब के भी आराध्य देवता है, वो भी उसके सम्मान करते हैं, सभी के है, किसी एक जाति एक वर्ग के प्रभु राम नहीं है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तो सर बयान देने की क्या जरूरत है, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का विरोध करना है। उन्होंने अपने बयान पे खुद केंद्र व्यक्त किया है, एक उनका बड़प्पन है जो उन्होंने सामने से आके सर बड़प्पन क्या है, ये तो बड़बोलापन है। आप नहीं, जितेंद्र आवाड़ क्या एक ही चीज कह गया, उन्होंने कहा था कि औरंगजेब हिंदू विरोधी शासक नहीं है। श्याम रावत आप कितनी चीजों पर डिफेंड करेंगे? नहीं डिफेंड करने का सवाल नहीं, ये मैं बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि
जो जितेंद्र अवार्ड जी जैसा नेता महाराष्ट्र में मिलना एक बहुत ही नहीं सर आप महिमा मंडित कर रहे हैं आप नहीं श्याम रावत जी एक मिनट श्याम रावत जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। आप जितेंद्र अवार्ड को नेशनल चैनल पर बैठकर महिमा मंडित करें और मैं आपको वक्त दे दूं, आप ये गलत सोच रहे हैं सर। मनीष शुक्ला जी ये क्या मजबूरी है सिर्फ कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है तो फिर उसके बाद किसी के बारे में कुछ भी कह दे कोई मतलब नहीं। प्रभु श्री राम हो सकता है जितेंद्र अवार्ड को भी आराध्य हो लेकिन उन्हें टिप्पणी इस तरह से करनी है कि सिर्फ अपनी अपनी छवि को चमका सके, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपना करीबी दिखा सके। देखिए अनुराग जी 1947 के पहले मुगल और बाबर ने एक फार्मूला सेट किया था जो 47 के बाद जिसको कांग्रेस ने अपना लिया और जो भी कांग्रेस के साथ जाएगा वो उसकी मजबूरी है कि हिंदू धर्म की निंदा करे, सनातन पर चोट करे, बहुसंख्यकों पर हमला करे, अस्तित्व को नकारे और जो भी तथ्य प्रभु राम और सनातन के पक्ष में हो उसको तोड़ मरोड़ कर बात करे। आवार जी अगर आपके चैनल को देख रहे हैं तो रामचरित मानस बालकांड का दोहा 209 पढ़ लें, पढ़ लेंगे तो उनको ध्यान में आ जाएगा कि प्रभु राम क्या खाते थे और उस समय क्या क्या चीजें उपलब्ध थी। चूंकि उन्होंने कहा कि उस समय राइस नहीं होता था, उस समय यही भोजन उपलब्ध था, मांस ही उपलब्ध था, तो इनकी जो बुद्धि विवेक है वो हर ली गई लग रहा। साफ साफ दोहा 202 में है, आयुध सब समर्प के प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। यानी विश्वामित्र जी ने कंद मूल फल भोजन उनको दिया। और इनको ध्यान में हो कि त्रेता युग में सभी प्रकार के अन्न पृथ्वी पे पाए जाते थे लेकिन अब तो एनसीपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की तरह उनका महिमा मंडन करने पर उतारू है कि बड़े जानकार है, बड़े अनुभवी है। इतने जानकार अनुभवी हो के अगर ये बात कह रहे हैं यानी स उद्देश्य उन्होंने हमला किया है, उन्होंने हमारी आस्था पर चोट करने के लिए बात कही है। अगर हम इनके रावत जी की बात को सत्य मान लें, अगर वो बड़े बुद्धि विवेक वाले और बहुत अनुभवी हैं, तो उन्होंने हमला किया है और ये लगातार कंटिन्यूअस लगातार कांग्रेस इंडी अलायंस और घमंडिया गठबंधन के सभी दल के लोग कभी न कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सफीकुर रहमान बर्क, स्वामी प्रसाद मौर्य, उधर स्टालिन, आज जितेंद्र अवार्ड का बयान सामने आई है और नारायण वो प्रियांक खड़गे, तो ये लोग एक योजनाबद्ध तरीके से सोनिया गांधी के मैं एक बार फिर से आ रहा हूं मनीष जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा और इस पर बातचीत करेंगे। आपने जिस दोहे का जिक्र किया मैं थोड़ा सा उस पर और अपने दर्शकों को बता दूं, आपने बाल काल का जिक्र किया, मैं जितना पढ़ रहा था मुझे पता चला कि जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो एक श्लोक इस तरह का है कि मधु मूल फले जीवनम हितवा मनुविद आमिषम, तो इसमें प्रभु श्री राम ने कहा था कि मैं 14 साल जब वनवास के लिए जा रहा हूं तो मैं सिर्फ कंद मूल खाऊंगा, शहद का सेवन करूंगा और एकदम साधु संतों की तरह जिंदगी जीऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये एक जो चीज है वो श्याम रावत को भी पढ़नी चाहिए, ये जितेंद्र अवार्ड को भी पढ़नी चाहिए। लेकिन एच एस रावत जी आप हिंदू धर्मगुरु हैं, ये प्रभु श्री राम को लेकर इस तरह की टिप्पणियां कोई कैसे कर सकता है? ये तो शास्त्रों आप रामायण पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व या चरित्र क्या था, तो ये तो रामायण में कहीं नहीं लिखा है, ये कहां से बोलते हैं अपने लिए अपनी तरफ से ये शब्द जोड़कर? अनुराग जी विधायक बनना तो जनता के हाथ में है लेकिन आत्मज्ञान, धर्म का ज्ञान और अपना चरित्र का निर्माण हमें अपने भाग्य से मिलता है। विधायक बन गए, अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि श्याम रावत जी उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके कसीदे गढ़ रहे थे, लेकिन धर्म का ज्ञान होना और धर्म के अनुसार चलना ये आदमी की अपना चरित्र होता है। इसलिए भगवान राम पर इस तरह की कटाक्ष भरी बातें करना ये उनके चरित्र को और उनकी कुंठा को दर्शाता है कि वो ये चाहते हैं कि इस तरह की बातें करके कि आप अपने वोट बैंक को पक्का कर लेंगे, हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह की बातें करके, इस तरह के कटाक्ष करके आप क्या चाहते हैं कि आपको बहुत बड़े, आप बहुत बड़े नेता बन जाएंगे या एनसीपी के नेता बन जाएंगे? इस तरह की बातें करने से आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, आपको जो रही सही बूटे हैं ना महाराष्ट्र पॉलिटिकल मजबूरी के तौर पर देखते हैं वो भी मिलने वाली नहीं है, ये पॉलिटिकल मजबूरी के तौर पर आप देखते हैं या फिर धर्म का अल्प ज्ञान? पहले मैं बता देता हूँ, ये बड़प्पन में मांगी नहीं है, ये मीडिया का प्रेशर था, ये जनता का प्रेशर था। अगर ये शाम तक माफी नहीं मांगते तो कहीं ना कहीं इनकी हालत वो हो जाती कि इनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, यानी इतने बदनाम हो जाते कि अगली बार चुनाव जीतने तक की इनकी नौबत आती और जमानत जब्त हो जाती है। यानी अगर भगवान साहब कुछ कह रहे हैं, श्याम रावत जी प्लीज, श्याम रावत जी आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। श्याम रावत जी माफी मांगनी चाहिए, पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और श्याम रावत को माफी मांगनी चाहिए।
बड़ी ही समझदार जनता है, हर चीज को बखदस परखती है और तब जाके निर्णय लेती है। आज भी जनता राष्ट्रपति कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ है, सभी सभी राम सबके है। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू 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 हूँ, मैं सनातन
कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया। अरे मैं जानता हूं सर कि जितेंद्र आबाड अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के आराध्य देव के बारे में वो कोई टिप्पणी कर दे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, एचएस रावत जी और श्याम रावत जी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, दो मेहमान और उसके बाद मैं फिर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आप सभी के पास। लोकेश जी, मैं फिर सवाल वही मूल जो सवाल इस डिबेट का मैं उस पर आता हूं कि भैया कितना जहर भरा हुआ है दिमाग में। अभी आप ही के विधायक हैं झारखंड से, इरफान अंसारी साहब जामताड़ा से विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ रोक कर बता दे। अरे साहब, योगी आदित्यनाथ का थोड़ी है मंदिर, या किसी बीजेपी के या किसी एक पर्टिकुलर नेता का थोड़ी है, वो तो धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि बीजेपी नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कभी जब आप अस्तित्व को नकारते तो बीजेपी साथ खड़ी थी। राम मंदिर ये कितना जहर भरा हुआ है मेंटली, आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी राम मंदिर को लेकर? लोकेश जी, हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में और खासकर आयुर्वेद में ऐसा मेंशन किया जाता है कि अगर विपरीत आहार हो तो वो विष बन जाता है। अगर हम विपरीत आहार का सेवन करें उससे विष बनता है। बिल्कुल, राजनीति और धर्म को जब हम मिलाते हैं तो ये एक तरह का विपरीत आहार है। तो आप मुझे बताइए कि ये विष भाजपा बना रही है या विपक्ष बना रहा है? धर्म और राजनीति ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। जी मनीष जी, आ रहा हूं मैं आपके पास मनीष जी, एक मिनट बात करने जाने दीजिए, फिर मैं आता हूं। राजनीति में कांग्रेस का क्या कहना है, अगर ये बोलने में सक्षम हो तो बोले। हां सर, मैं भाई क्लियरिफिकेशन चाह रहा हूं। लोकेश भाई प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, धैर्य रखिए। प्रभु राम का अपमान करें और हम लोग धैर्य रखें, धैर्य रखें, आप प्रभु का अपमान करते रहे, आप प्रभु के अस्तित्व को नकारते रहे, प्रभु राम से तोड़ने की बात करते रहे, बात पूरी कर लूं, सनातन पर हमला करते रहे और सब लोग धैर्य रखें। मैं अपनी बात रखूं अनुराग जी? ठीक है लोकेश भाई, प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए, धर्म और राजनीति का जब तक मिश्रण होता रहेगा, रावत साहब आ रहे हैं आपके पास, समाज में फैलता रहेगा। जितेंद्र अहवाड़ पर बोले, शर्म आ रही हो तो माफी मांगे, इनके साथ है वो। मनीष जी, मुझे मेरी बात पूरी रखने दीजिए। देखिए, आप मेरी बात दबा के आप जितेंद्र अहवाड़ को छोड़कर सारी बातें कर रहे हैं, आयुर्वेद समझा रहे हैं आप। अरे मनीष जी सुनिए तो, क्यों मेरी बात इतनी क्यों चुभ रही है आपको? क्योंकि ये आपको सबके आईना दिखा रहा है, मुझे मुझे चेहरा दिखा रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस किस तरह से कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। यही तो मैंने शुरू में कहा, कौन सी कांग्रेस का षड्यंत्र है, सोनिया राहुल के इशारे पे किया जा रहा है ये। मनीष जी, आप धर्म की राजनीति ना खेले, आप धर्म की राजनीति खेलना बंद कर दीजिए। आप प्रभु राम को मांसाहारी बताते हैं, आप कहते हैं कि प्रभु राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर में ताला लगवाते और राजनीति हम कर रहे हैं। बातें तो आपको समझती नहीं है, आपको केवल और केवल धर्म की राजनीति करना क्या समझ में आती है? अगर मैं आपसे समाज का प्रश्न, आपके गठबंधन के लोग जाति का प्रश्न पूछूं, एक धर्म का वोट पाने के लिए अर्थव्यवस्था का प्रश्न पूछता हूँ, अपमान करेंगे? अगर मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर कोई प्रश्न पूछता हूं, आप धर्म लेकर आ जाते हैं। शासन प्रशासन हर जगह पर आपका केवल एक उत्तर होता है, वह नहीं। लोकेश भाई सुनिए ना, मेरी बात का तो जवाब देंगे ना आप? मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लोकेश भाई मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं चाहूंगा संक्षेप में, फिर मैं उसके बाद अजहरी जी के पास जाता हूं। लोकेश भाई, मुझे एक बताइए कि ये पॉलिटिसाइज करने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये सामाजिक मुद्दा है जिस पर पूरे देशवासी जुड़े हैं, और उसका अपना आह्वान, उसका अपना तरीका है, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कौन कर रहा है? और चलिए, अगर साहब आप लोग के हिसाब से बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है, तो आप लोग उसमें आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? आपके विधायक क्यों ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पर्चा क्यों बंटवा रहे हैं? अरे साहब, विधायक साहब का थोड़ी हो गया, उनकी बपोती थोड़ी हो गई वो विधानसभा क्षेत्र, कहीं पर भी राम के नाम पर पर्चा बंट सकता है। अगर विवादित बयान कोई धर्मगुरु दे तो समझ में आता है, सारे बयान तो इनके भाजपा के नेता दे रहे हैं। अरे सर, इरफान अंसारी तो आपके विधायक है ना, नेता ने कहा ना कि दो दिन जो है मांस मदिरा पूरे देश में बंद करा दी जाए,
आप मुझे एक बात बताइए, आप राम मंदिर का उद्घाटन कौन कर रहा है? राम मंदिर की जो पूरी लिस्ट भाई, आप इरफान अंसारी पर कुछ नहीं कह रहे हैं, आप जितेंद्र आवाज पर कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए अरे लोकेश भाई, आप भी प्रभु श्री राम की ही पूजा करते हैं ना, आपके आराध्य देव के बारे में कहते हैं कि वो मांसाहार करते हैं, जबकि हमारे ग्रंथ रामायण में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं। अनुराग जी सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगा कि राजनीति और नेताओं को धर्म से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। भाजपा के नेता क्यों धर्म को बार बार घसीट कर लेकर आते हैं और ऐसे बयान बुलवाते हैं? अरे सर, आप ही के साथ गठबंधन में बैठे हुए एनसीपी के नेता वो लेकर आए ना सर धर्म को और इसको। अनुराग जी, आप ये प्रश्न भाजपा से क्यों नहीं करते? कौन सा प्रश्न क्यों पूछते कि कब ये धर्म की राजनीति हटे? ठीक है मनीष जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आप कर रहे धर्म की सियासत, वो बयान दे रहे प्रभु श्री राम पर, वो धर्म की सियासत नहीं। देखिए मैंने शुरू में ही इसलिए कहा कि ये सारे बयान सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पे दिए जा रहे हैं। बाला साहब की शिवसेना जब सोनिया सेना बनती है तो कितना उसका चरित्र बदल जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। जितेंद्र आह्वाड़ का नाम लेने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से, इससे स्पष्ट है। चूंकि निर्देश कांग्रेस का था, सोनिया जी का था, राहुल गांधी का था कि अपमान करो बहुसंख्यकों का, चोट पहुंचाओ सनातन पर, तो इसलिए उस पर कैसे ये रिएक्ट कर सकते हैं, ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि जितेंद्र आह्वाड़ ने गलत बयान दिया। मैंने तो इरफान अंसारी पर सवाल पूछा, वो बोलने के लिए तैयार नहीं। वो सियासत कर रहे हैं, आप ही के विधायक सियासत करने पर उतारू, आप उस पर एक शब्द नहीं कह रहे। लोकेश भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, अजरी जी, लेकिन ये मैं आ रहा हूं। लोकेश भाई प्लीज, एक गेस्ट बहुत देर से सुन रहे हैं ना आप लोगों को, ये सुन लिया, अब उनकी टिप्पणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजरी साहब, लेकिन ये तो किसी भी स्तर पर कमी नहीं है ना, वहां पर हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल अंदाजा लगाकर उसके दायरे नापकर कुछ लोग इस तरह के बयान दे दें, लेकिन कुछ धर्मगुरु हैं और खासतौर पर जो दूसरे धर्म के विशेष धर्म के लोग हैं, वो धर्मगुरु बार बार मस्जिद का डर दिखाकर राम मंदिर को टारगेट करते हैं, तो ये राम काज में ये क्यों विघ्न बार बार उत्पन्न किया जा रहा है? या मैं सिंपल शब्दों में पूछूं तो ये जहर का कितना स्टॉक भरा हुआ है लोगों के मन में? देखिए आप जो इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप खुद मुद्दे से हट रहे हैं। मैं वहां पर जाता तो आप कहते हैं कि आप मतलब हट गए हैं, अब आप खुद हमें ला रहे हैं वहां पर तो हम आ रहे हैं। नहीं सवाल यही है ना कि जहर कितना है मन में। जो भी कुछ हो रहा है इस देश में, इस वक्त हालात सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2024 का चुनाव सर पे है, ऐसे लोग वजूद में आएंगे। अभी परमहंस जी बोल रहे थे, ये वही परमहंस थे, अभी आपने उनकी एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी, वो बोल रहे थे कि मैं उनका वध करूंगा जाके। आप बताएं ये तरीका अच्छा है क्या? बिल्कुल गलत। मैं देखिए श्री राम जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, रावत जी आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को, उनकी बात सही डरा रहे हो, उनकी बात सही डरा रहे हो जब आता है उसका बद करूंगा, उसको मैं मार दूंगा, उसके साथ ऐसा करूंगा, उसके साथ पढ़ना चाहिए। ये क्या है इंसानियत है। अच्छा एक मिनट एच एस रावत जी और अजहरी जी, एक मिनट मुझे मौका दीजिए सर, एक मिनट मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, ठीक है? अजहरी साहब एक मिनट, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। राम का काज, प्रभु श्री राम का एक धार्मिक काम और हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े हुए जिनका केंद्र है प्रभु श्री राम, उनको लेकर अगर मंदिर बन रहा है, एक सालों चली हुई लड़ाई जिसमें कानूनी तौर पर हिंदू पक्ष की जीत हुई हो, उस पर अगर मंदिर बन रहा है तो वैसी जैसे कुछ धर्म के ठेकेदार या फिर मदनी जैसे कुछ लोग उसमें बार बार क्यों मस्जिद के नाम का डर दिखा रहे हैं? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि ये कितना जहर अंदर भरा हुआ है आपके। जीत चाहे आस्था के आधार पर हुई हो या कानूनी तौर से हुई हो, वो जीत हुई है। मंदिर बनना है, किसी को एतराज नहीं, लेकिन मंदिर के तमाम मामलों को भारतीय जनता पार्टी जो हाईजैक कर लिया है, उस पर अगर कोई सवाल उठा रहा तो उस पर कोई गलत बात नहीं है। नहीं, लेकिन आप तो मस्जिद के नाम पर डर दिखा रहे हैं ना साहब, ओवैसी ने क्या कहा? बिल्कुल, अरे काहे का डर भाई, डर किस बात का? डर नहीं है हमें,
डराने की कोशिश आप कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी मनीष जी घुमा फिरा कर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं वो सीधे तौर पर आरोप आप पर लगाते हैं कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अच्छा, जितेंद्र आह्वान भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बयान देते हैं, प्रियांक खड़गे भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बयान देते हैं, स्टालिन और मौर्य जी भी भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बयान देते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी से आपत्ति है, अगर भारतीय जनता पार्टी से आपत्ति है तो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछिए, उनसे सवाल पूछे, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रभु राम के खिलाफ कोई बोलता है, अरे भाई मौलाना चुप हो जाइए, मौलाना चुप हो जाइए, मौलाना शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मौलाना सुन लीजिए, उसकी आपको अगर भारतीय जनता पार्टी से आपत्ति है तो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु राम हिंदू धर्म सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। किसी की आस्था किसी के विश्वास पर अगर चोट पहुंचाते हैं मौलाना आप, या कोई पहुंचाता है और आप उसके लिए उसके पक्ष में बोलते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, और इस तरह से ठीक है मनीष जी, आपने क्लियर कर दिया, आपने पॉलिटिकल वाले स्टैंड पर अपनी बातों को क्लियर कर दिया। अजहरी साहब प्लीज बीच में नहीं, अजहरी साहब बीच में नहीं, लोकेश भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, अजहरी साहब एक मिनट बीच में नहीं प्लीज, एक एक करके शोर मचा रहे हैं। ठीक है मनीष जी, आपकी बात बहुत क्लियर लाउड एंड क्लियर पहुंच गई लोगों तक, इतनी देर से आप किसी को नहीं बोल रहे, आप दे रहे थे, ठीक है तो आपको याद नहीं आया। अजहरी साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, लोकेश भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, रावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, श्याम रावत जी, श्याम रावत जी कम से कम अब तो आप इस बात को मानिए कि इस पूरे विवाद में जो जितेंद्र आवाड़ जो बात कह रहे हैं उसमें उनका धार्मिक अल्पज्ञान हो सकता है या राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, उसमें उन्होंने कितना भी अच्छा काम किया हो आप महिमा मंडित अपने मन में कीजिए, लेकिन देश की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी कि इस देश के जनता के करोड़ों लोगों के आराध्य को लेकर आप इस तरह की टिप्पणी करें। नहीं, मेरा मानना ऐसा कि आदरणीय जितेंद्र आवाड़ जी हमेशा जनता के योग्य कामों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, और जहां तक अरे सर योग्य कामों के लिए तत्पर होना आपको लाइसेंस थोड़ी देगा कि आप किसी के आराध्य को लेकर कुछ करें। आपके लिए होंगे, आप करो उनकी चापलूसी, यहां तो आपको माफी मांगनी चाहिए, आप माफी मांगनी चाहिए उनकी तरफ से, वो नेता माफी मांग चुके, आप माफी नहीं मांग रहे श्याम रावत जी, या आप उनको कंडेम नहीं कर पा रहे हैं, और राजनीति को जोड़ा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिल्ली पहुंचना चाहती है, आज वही आपको देखने मिल रहा है कि आने वाले 2024 को टारगेट करके ये आप पॉलिटिकल उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब चलिए ठीक है, आप सारे सियासतदानों की सियासत साहब आपको मुबारक हो, यहाँ देश में जो करोड़ों लोग जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी आस्था को कम से कम ठेस ना पहुंचाइए, इस बात का ध्यान रखा जाए। लोकेश भाई कुछ कह रहे हैं, लोकेश भाई प्लीज जल्दी से। अनुराग जी, अगर भाजपा वाकई में धर्म की राजनीति ना करने चाहती तो वो इस वक्त एक FIR जरूर रजिस्टर कर देती सेक्शन 153A के तहत। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, भले वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, इसका राजनीतिक लाभ पूरा पूरा भाजपा को जो फायदा देख रहे हैं वो उन्होंने वो कहते हैं कि हमारे लिए तो शुरू से भगवान श्री राम हवा देती है लोकेश भाई, लेकिन भगवान श्री राम को क्या आप दरकिनार कर देंगे, क्या इस तरह की टिप्पणियों को आप छोड़ देंगे, उस पर तो एक शब्द बोल लीजिए लोकेश भाई, जितेंद्र आवाड़ पर एक शब्द तो कहिए, इरफान अंसारी पर तो कहिए, उन्होंने अब तक कानून व्यवस्था जब उनके पास है महाराष्ट्र में, उन्होंने FIR क्यों नहीं की, इसका जवाब दीजिए। इनके पास हिम्मत नहीं है, आप पार्टी के नेता हैं, आप बैठकर बोल सकते हैं, आप एक शब्द नहीं कह रहे। एच एस रावत जी बहुत आखिर में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये राजनीतिक बयान है या धर्म को लेकर अल्पज्ञान, एक लाइन में। देखिए ये राजनीतिक बयान है और अपनी वोट बैंक को पक्का करने के लिए, और साथ में भारतीय जनता पार्टी से जो इनकी कुंठा भरी हुई है उसको खत्म करने के लिए दिया गया बयान है। इस पर बात करने के लिए अगर वक्त बचा तो मैं जरूर आऊंगा।